हे गाइस, सो आज का टूर व्लॉग फिर से होने वाला है तिरुपति बालाजी टेंपल, जो कि बना हुआ है हरियाणा स्टेट के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में और यहाँ पर पार्किंग के लिए एनफ स्पेस है, पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री की और उसके बाद इसी काउंटर पर आपको यह प्रसाद मिल जाएगा जो कि तिरुपति बालाजी को अर्पित किया जाता है। इस प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर बनाया जाता है और यह 100 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इस मंदिर में सॉक्स पहनकर अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। और जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे तो पूजा का टाइम हो गया था। आरती करने के समय पर पहुँचना अपने आप में एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और आज हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी आए थे, तो आप लोग उनके भी दर्शन कर लीजिए। तो हमारे कान्हा जी इस मंदिर में, एक विशेष बात यह है कि जब इस मंदिर को कारीगरों ने बनाया था तो उन्होंने यह पूरा मंदिर नंगे पांव बनाया था, चाहे कितनी भी सर्दी हो गर्मी हो। तो जब हम आज एंट्री कर रहे थे उस टाइम मुझे पता चला कि यहाँ पर सॉक्स पहनकर जाना भी मंदिर में अलाउड नहीं है, इवन पूरे मंदिर में कारपेट बिछा रखा है। तो मुझे पंडित जी ने ये जो बात बताई थी कि कारीगरों ने नंगे पांव बनाया, मुझे वो बात याद आ गई। और वो है बात याद करके मुझे एक तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि इतनी ठंड में उन्होंने कैसे इसको बनाया होगा, उनमें कितना डेडिकेशन, उनमें कितनी भक्ति थी। और उनकी यह बात सोचकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और एक पॉजिटिव एनर्जी तो हमेशा इस मंदिर में आकर मिलती ही है। और पूजा अर्चना के बाद पंडित जी हम सबको आरती देते हैं। उसके बाद दूसरे पंडित जी हम सबको तिलक करते हैं और तिलक लगवाने के बाद हम सब यहाँ परिक्रमा करते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में टोटल 4 परिक्रमा की जाती है। चार